स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडी इन इंग्लिश चैप्टर 5 गुड नेबर्स. फर्स्ट वी रीड वर्ड मीनिंग. लेट्स स्टार्ट. नेबर्स, नेबर्स मीन्स पड़ोसी. स्ट्रे, भटका हुआ. बार्क्ड, भौंकना. इनवाइटेड, आमंत्रित. टेस्टी, स्वादिष्ट. स्नैक्स, स्नैक्स को स्नैक्स ही बोलते हैं. राइड, सवारी. स्माइल, मुस्काना. फ्रेंड्स, दोस्त. क्वेश्चन आंसर्स. हु आर द नेबर्स इन द लेसन? लेसन में नेबर्स कौन है? गौरी एंड कशिका आर नेबर्स. जो गौरी और कशिका है वो कौन है? दोनों पड़ोसी हैं. नेबर्स मीन्स पड़ोसी. क्वेश्चन 2. वेयर डू गौरी एंड कशिका प्ले? गौरी और कशिका कहाँ खेलते हैं? गौरी एंड कशिका प्ले इन द गार्डन. गौरी और कशिका बगीचे में खेलते हैं. हाउ डिड गौरी हेल्प ऑन कशिकाज बर्थडे? किस तरह से गौरी ने हेल्प की कशिका के बर्थडे पे? गौरी हेल्प्स कशिकाज मदर इन मेकिंग ए केक. कशिका के बर्थडे पे गौरी ने उसकी मम्मी की केक बनाने में हेल्प की. Who said this and to whom? किसने ये कहा किसको? तो पहले क्या दिया हुआ है? कशिकास मदर बेक सच अ टेस्टी केक. ये कौन कह रहा है? ये कह रही. ये कौन है? Who said? गौरी. Said to whom? किसको कहा? हर मदर, अपनी मम्मी को कहा गौरी ने. वर्ड पावर. मैच द अपोजिट्स. अभी अपोजिट वर्ड्स दिए हुए, इन्हें हमें मैच करना है. तो टुगेदर का अलोन. बैक, फ्रंट. लास्ट, फर्स्ट. फ्रेंड, एनिमी. इवनिंग, मॉर्निंग. ट्रू, फॉल्स. इस तरह से इसको मैच करना है अपोजिट वर्ड्स को. क्वेश्चन नंबर बी, करेक्ट द स्पेलिंग. अब ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी स्पेलिंग गलत है, तो हमें क्या करना है? उन्हें राइट करके यहाँ लिखना है. ये नेबर की हो गई, ये बटरफ्लाई, टेस्टी, बाइसिकल, बर्थडे, फ्रेंड्स. वी नो दैट ए सेंटेंस हैज टू पार्ट. ये हमें पता है कि सेंटेंस जो होता है उसके दो हिस्से होते हैं. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट नेम्स व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट एंड इज कॉल्ड सब्जेक्ट. द सेकेंड पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट दैट से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. इसमें दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, सब्जेक्ट बताता है और दूसरा प्रेडिकेट बताता है. ठीक है, तो ये सेंटेंस दिए हुए हैं. क्या है? कशिका हैज ए गार्डन बिहाइंड हर हाउस. कशिका का गार्डन है उसके घर के पीछे. तो जो कशिका बता रही, कशिका नाम है, वो क्या है? सब्जेक्ट है. और किसके बारे में बता रही है? वो गार्डन, प्रेडिकेट. गौरी एंड कशिका ये सब्जेक्ट है. और आर नेबर्स, तो ये क्या है? प्रेडिकेट. दे राइड देयर बाइसिकल टुगेदर, तो ये क्या है? दे सब्जेक्ट. और प्रेडिकेट, राइड देयर बाइसिकल टुगेदर. द डॉग बार्क एट देम, तो ये द डॉग क्या है? सब्जेक्ट. और बार्क एट देम, प्रेडिकेट. गौरी, ये क्या है? सब्जेक्ट. गौरीज मदर. और स्माइल, प्रेडिकेट. इसी तरह इसमें क्या करना है? इसमें जो सेंटेंस है उन्हें दो पार्ट में डिवाइड करना है. ठीक है, नाउ डिवाइड दिस सेंटेंस इंटू टू पार्ट्स बाय ए स्लैश. ये जो साइन होता है ये स्लैश का साइन होता है. तो पहला क्या दिया? द लायन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. ये सेंटेंस है, तो इसमें कहेंगे द लायन, इसके आगे स्लैश लग जाएगा, और इज कॉल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. ये बन गए दो सेंटेंस. स्नेक, स्नेक के बाद स्लैश लग जाएगा. लिव इन बरोज. शी इज अ नाइस गर्ल, तो शी के बाद स्लैश लगा देंगे, इज अ नाइस गर्ल. इसी तरह द प्लैनेट, प्लैनेट के बाद स्लैश लग गया. रिवॉल्व्स अराउंड द सन. द गीता इज ए होली बुक, तो द गीता के बाद स्लैश लग गया. द ईयर हैज 12 मंथ, द ईयर के बाद स्लैश लग गया. इस तरह से करना है. वॉट डिड यू डू इन द इवनिंग लास्ट नाइट? यू कैन चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. अब ये कुछ वर्ड्स दिए हैं, इसमें ये बोला है कि आपने लास्ट नाइट इवनिंग में क्या किया था. इवनिंग में, लास्ट वीक की इवनिंग में क्या किया था, वो आपको इन वर्ड्स की हेल्प से सेंटेंस बनाने हैं.
तो फर्स्ट बना हुआ है. ऑन मंडे आई पेंटेड ए सीनरी, मैंने सोमवार को पेंटिंग बनाई थी, सीनरी बनाई थी. ऑन ट्यूजडे आई लर्न डांसिंग एंड स्केटिंग, ये यहाँ लिखा है डांस स्केटिंग और ये डांसिंग, तो इन्हीं वर्ड्स को चूज करके यहाँ लिखना है. ऑन वेडनेसडे आई वेंट फॉर स्विमिंग, वेडनेसडे को मैंने स्विमिंग की. ऑन थर्सडे आई प्लेड विद फ्रेंड्स, थर्सडे को मैं अपने फ्रेंड के साथ खेला. ऑन फ्राइडे आई वॉच टीवी सीरियल, फ्राइडे को मैंने टीवी सीरियल देखा. तो इस तरह से करना है बच्चों, ये कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसन टू द फॉलोइंग राइम फ्रॉम योर टीचर वाइल लिसनिंग, अंडरलाइन दीज वर्ड्स. जब ये राइम पढ़ेंगे क्या करना है, जो वर्ड्स दिए हैं इनके अंडरलाइन लगाने हैं. ठीक है, तो ये राइम लिखी हुई है, तो ये वर्ड्स हैं, इनको अंडरलाइन लगाना है. तो क्या है, हर्ड, तो हर्ड के नीचे, क्रीपिंग तो क्रीपिंग, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर के नीचे लगा दी, ग्रैंट ग्रैट ग्रैट लगा दिया, फैट फैट के नीचे अंडरलाइन. बस अंडरलाइन लगानी है जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं, बस इतना ही करना है इसमें. अब ये पिक्चर है, इसको क्या है, फाइंड आउट फोर डिफरेंसेस इन दीज टू पिक्चर्स, राइट नेम्स ऑफ दीज मिसिंग ऑब्जेक्ट. ये पिक्चर बनी हुई है, इसमें क्या क्या चीजें मिसिंग है इस पिक्चर से, वो हमें सिर्फ लिखनी है इन्हें, जो कि फोर थिंग्स हैं वो. तो पहली बर्ड इसमें बनी है, इसमें नहीं बनी. फ्लावर, थ्री फ्लावर्स है, इसमें वन टू है, तो लिख दिया. फिर इसमें ये ट्री नहीं है, इसमें ट्री है, ये लिख दिया. इसे विंडो और डोर नहीं है हट में, तो विंडो एंड डोर. इस तरह से करना है बेटा, बच्चों इसको कर लेना और पढ़ लेना.